सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज ला रहा हूँ मैं वीडियो मल्टीफंक्शनल मोबाइल फ़ोन चार्जिंग ब्रैकेट के ऊपर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं मोबाइल होल्डर विद चार्जिंग। सो मैं आज आपको कुछ ईजी ट्रिक्स बताऊँगा कि कैसे लगाते हैं फटाफट से इसको अपनी बाइक में। तो पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करा है, तो ऐसा कुछ सा प्रोडक्ट, इसके साथ कुछ एडिशनल चीज़ें मिलती हैं जो कि ये हैं। तो चलते हैं सीधा बाइक के पास। इस गाड़ी में हम लगाएंगे मोबाइल होल्डर, क्योंकि मेरी एनएस में ऑलरेडी मोबाइल होल्डर लगा चुका है, मैंने लगवा रखा है। तो इसमें लगाएंगे और इस साइड लगाएंगे मोबाइल होल्डर। तो मोबाइल होल्डर की फिटिंग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट बैटरी से कर दो तो जिससे 24 घंटे ऑन रहेगा, या फिर आप इग्निशन से कर दो। इग्निशन से मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, तो हम इसमें भी आज इग्निशन से ही करेंगे। तो सबसे पहले इसे फिट कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमें सबसे पहले इस बोल्ट को खोलना है और यहाँ फिट कर देना है। तो फाइनली यहाँ पे होल्डर मैंने इस स्क्रू के साथ कस के यहाँ पर लगा दिया है। तो अब हमें करना क्या है, इसमें दो वायर, काफ़ी लंबी वायर है। अगर आपको डायरेक्ट बैटरी में फिट करना है तो क्या करना है, डायरेक्ट रेड पॉजिटिव में और ब्लैक नेगेटिव में, बट हमें करना है इग्निशन से। तो हमें करना क्या होगा, जो इस साइड के बटन्स के लिए यहाँ पे दो सॉकेट दे रखे हैं, इसका पॉजिटिव वायर में हमें पॉजिटिव डाल देना है, और किसी भी स्क्रू में हमें ग्राउंड कर देना है नेगेटिव वायर को। तो चलो पहले मैं पॉजिटिव में डाल देता हूँ। जो ये वाला टर्मिनल है पॉजिटिव है, तो मैंने ये निकाल लिया है और वायर मैंने आगे काट के छोटी कर दी है। तो सिंपली मुझे इस वायर को इसके साथ लगाना है, और जो ये ब्लैक वाली वायर है इसको मैं यहाँ पे या फिर किसी भी स्क्रू में न्यूट्रल कर दूँगा, मतलब अर्थ दे दूँगा। तो सिंपली ये जो रेड वायर है पॉजिटिव, इसके अंदर डाल देंगे और इसको इसकी पोजीशन पे फिट कर देंगे। तो ये हो चुका है हमारी गाड़ी का पॉजिटिव टर्मिनल। तो जो नेगेटिव है हम इसे यहाँ पे लगा देंगे। जो नेगेटिव टर्मिनल है ये वाला पॉइंट, इसे हम अर्थ करेंगे इस वाले बोल्ट पे। तो सिंपली एलएनटी से इस बोल्ट को खोलता हूँ पहले। इसलिए बोल्ट खुला, आपको करना क्या, ये वायर लानी है इसके अंदर ऐसे, और इस बोल्ट को कस देना है वापस। तो फाइनली मोबाइल होल्डर लग चुका है। तो अब आती है इसकी वायर टेस्ट करने की। तो ये मैंने गाड़ी ऑन करी, तो आप देख सकते हैं इस पर लाइट जल रही है। साथ ही अगर मैं गाड़ी बंद करूँगा तो उससे सब लाइट बंद होगी। इसमें ऑन ऑफ का बटन भी आता है अलग से, इसके हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इग्निशन के साथ कर दिया है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। सो गुड बाय।